बातमी आहे नांदेडमधून। देशात सर्वात कमी वयात व्यावसायिक पायलट बनण्याचा विक्रम हा युक्ता बियाणी या नांदेडच्या युवतीने केला आहे। बालपणापासूनच पायलट बनण्याचं तिचं स्वप्न होतं। 12वीनंतर तिने मुंबई येथे 6 महिने विमान चालवण्याचे प्रशिक्षण देखील घेतले होते। त्यानंतर बारामती येथील फ्लाइंग स्कूलमध्ये तिची निवड करण्यात आली होती आणि या प्रशिक्षणादरम्यान तिने तब्बल 200 तास विमान हे चालवले होते। वयाच्या 19व्या वर्षात पायलट बनणारी युक्ता बियाणी ही देशातील पहिली तरुण महिला ठरली आहे आणि याआधी 21 वर्षाच्या तरुणीने हा विक्रम केला होता आणि तिच्या या गरुड झेपेचे आता सर्व स्तरामधून कौतुक देखील केले जात आहे। लवकरच एअर इंडिया या कंपनी तिची निवड देखील होणार असल्याचे युक्ताने सांगितले आहे आणि 21 वर्षानंतर आता 19 वर्षीय युवतीने पायलट बनण्याचा हा विक्रम केला आहे। सोच लिया था कि मुझे यही करना है, पायलट ट्रेनिंग ही करनी है आगे जाके, इसलिए फिर मैंने ये सब अपना फोकस करके सब कंप्लीट किया अपना ट्रेनिंग बहुत जल्दी। तो अभी तक कितने विमान चलाए, कैसे ट्रेनिंग? अभी तक मैंने सेस्ना और मल्टी इंजन दो ही विमान चलाए, ट्रेनिंग के लिए वही नेसेसरी होता है और अभी मैंने 200 घंटे की ट्रेनिंग कम्प्लीट की है सेस्ना और मल्टी इंजन। तो आगे की तैयारी क्या है? अभी आगे की तैयारी ऐसी रहेगी कि मैंने एयर इंडिया के लिए अप्लाई किया है तो अभी वही जॉब के लिए मैं ढूंढूंगी और फिर जब जैसे ही जॉब मिलती है तो फिर वैसे ही एयरलाइन में मैं ज्वाइन हो जाऊँगी। हाँ, ये बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझको आगे जाके पायलट ही बनना है, बट फिर मैंने सोचा नहीं था कि 12th के बाद भी ये हो सकता है, बट फिर मुझे जब पता चला तो फिर मैंने सोचा नहीं और मैंने तुरंत ही 12th के बाद ये स्टेप लिया। ये श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को ही देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। हर बार मैंने जब बोला कि मुझे ट्रेनिंग करना है तो उन्होंने बिना सोचे समझे बोला कि तुझे जो करना है तू वो आगे जाके कर। ऐसा अभी सपना यही है कि मैं आगे इसी फील्ड में बहुत आगे तक जाऊँगी और फिर जो भी है मैं सब पोस्ट के लिए ट्राई करूँगी और अपने मम्मी पापा को मैं इसमें खुश हूँ।